हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेशन विद शिवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आज हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मैंने कुछ और भी टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन, हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। ओके, तब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हेल्थ केयर या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर क्या होता है ये देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज rendered to an individual, families or communities by the agent of healthcare services or professionals for the purpose of promoting, maintaining, monitoring or restoring health। कि मतलब हेल्थ केयर जो होता है एक मल्टीपर्पज सर्विसेज होते हैं या फिर मल्टीपल सर्विसेज होते हैं जिसमें इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी को प्रिवेंटिव मतलब प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उनके हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हेल्थ एजेंट्स के थ्रू या हेल्थ सर्विसेज जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में कहें तो हेल्थ केयर जो होता है एक मल्टीपल सर्विसेज होती हैं जिसमें कि या फिर मल्टीपर्पज सर्विसेज होती हैं जिसमें किसी इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटीज़ को हेल्थ एजेंट्स के थ्रू या हेल्थ एजेंट्स के द्वारा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और उनके हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए और एंड रिहेबिलिटेट करने के लिए। ओके, एंड देन द गोल ऑफ हेल्थ केयर इज़ हेल्थ डेवलपमेंट। तो जो हेल्थ केयर होता है उसका मेन गोल ये होता है कि हेल्थ को डेवलप करना या हेल्थ डेवलपमेंट, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस। और यह जो होता है यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है एंड प्रोग्रेस होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। और जो भी पॉपुलेशन है उसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, मतलब इनका मेन गोल जो होता है हेल्थ का डेवलपमेंट करना। और हेल्थ का डेवलपमेंट करना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और प्रोग्रेसली होता रहता है, प्रोग्रेसिवली इसमें चलता रहता है इसका हेल्थ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ। और जो भी पॉपुलेशन वहाँ रह रही है उन पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना। देन टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एट 3 लेवल्स। इस जो भी हम हेल्थ केयर का गोल है इसको अचीव करने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज ने 3 लेवल्स को ऑर्गेनाइज किया और जो भी ईच लेवल्स हैं वो हायर लेवल के थ्रू सपोर्टेड किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। दिस लेवल आर 3: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्सरी हेल्थ केयर। तो जैसे कि हमने हेल्थ केयर में डिस्कस किया था कि हेल्थ केयर वो होता है जिसमें मतलब ये मल्टीपर्पज सर्विसेज होती हैं जो किसी इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती हैं हेल्थ सर्विसेज एजेंट के थ्रू या हेल्थ एजेंट्स के थ्रू या प्रोफेशंस के थ्रू उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए एंड रिहेबिलिटेट करने के लिए। और इनका मेन गोल जो होता है वो होता है हेल्थ का डेवलपमेंट करना। और यह एक हेल्थ का डेवलपमेंट जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें कि ये प्रोग्रेसिवली चलता रहता है और उनके हेल्थ स्टेटस को मतलब जो पॉपुलेशन है या फिर जो फैमिली, इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी है उसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। और इस गोल को अचीव करने के लिए 3 लेवल्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जो इस प्रकार है, जिसमें कि फर्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर है जिसे हम एसेंशियल हेल्थ केयर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर और दूसरे नाम से कहें तो हेल्थ केयर एट डोर स्टेप के नाम से भी इसे जानते हैं। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी डिजीज कंडीशन हो उसे अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर ले एंड लोगों को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी कि डिजीज होने से पहले ही बचाव कर ले, प्रिवेंशन करें, और जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो ही ना, इसका वो पहले ही इलाज कर ले, और उनको प्रमोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करें एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो देखते हैं इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये फर्स्ट लेवल होता है इंडिविजुअल के कॉन्टेक्ट का, फैमिली का एंड कम्युनिटी का विद द नेशनल हेल्थ के साथ या फिर नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ, जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है प्रोवाइड किया जाता है। और इस हेल्थ केयर पर, मतलब यह हेल्थ केयर जो होता है यह लोगों से इजिली या फिर क्लोजली होता है, मतलब लोगों के क्लोज में होता है यह हेल्थ केयर, और यहाँ पर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व की जाती हैं। ओके, और यह जो होते हैं विलेज लेवल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि सब सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है, वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं एजेंसीज के थ्रू, जो भी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा, विलेज हेल्थ गाइड के द्वारा, आशाज के द्वारा, जो भी आशा वर्कर्स होती हैं उनके, एंड ट्रेंड जो दाई होती हैं उनके थ्रू। और हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिवेंशन करना, इनका मतलब इनका मैक्सिमम एफर्ट जो होता है वो होता है कि लोगों के हेल्थ को प्रिवेंट करें, मतलब कि उनके मतलब उन्हें लोगों को प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनके हेल्थ को प्रमोट करें इस लेवल पर, और लोगों को सेल्फ रिलीवेंट बनाएं। और प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, मतलब सर्विसेज हेल्थ टीम के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती हैं, और प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है या एक ब्रिज होता है, या कह सकते हैं या एक बेस होता है हेल्थ केयर का। यानी कि अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में प्राइमरी हेल्थ केयर देखें तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है यह एक बेसिक होता है हेल्थ केयर, यह एक बेस होता है हेल्थ केयर का, जो कि इंडिविजुअल और एजेंसीज के बीच का एक कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें कि मतलब यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनको कोई भी डिजीज यदि हो रही हो तो उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने का काम करता है। और यह जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है वो सब सेंटर पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर प्रोवाइड करता है, और ये काफ़ी मतलब इफेक्टिव होता है, मतलब इनकी ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और ये जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर PHC एंड सब सेंटर पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी पर्सन्स हैं उनको डिजीज से प्रिवेंट करना। ओके, एंड देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज। तो सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज में है कि जो सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज होती हैं इनका मेन जो गोल होता है या फिर इनका जो कार्य होता है, यह जो होती है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज से हायर होती हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द केयर इज द सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल कह सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट लेवल हेल्थ केयर लेवल कह सकते हैं। और इस लेवल पे जो होता है काफ़ी मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं हेल्थ केयर के इस लेवल पर, और यहाँ पे थेरेप्यूटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब वहाँ पे हम केवल प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे प्राइमरी हेल्थ केयर पर, लेकिन हम सेकेंडरी हेल्थ केयर पे थेरेप्यूटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्यूरेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, थेरेप्यूटिक एंड क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स पर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और यह जो केयर होते हैं ये मतलब देखे तो यह जनरली क्यूरेटिव एंड थेरेप्यूटिक सर्विसेज या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, थेरेप्यूटिक एंड क्यूरेटिव। तो हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में देखा था कि यह जो तो प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि हेल्थ लोगों के हेल्थ को प्रमोट कर रहा था एंड प्रिवेंट कर रहा था डिजीज से। और जो सेकेंडरी है यह थेरेप्यूटिक और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो प्राइमरी हमारा हेल्थ केयर था वो हमें डिजीज होने से पहले उसे बचाव कर रहा है, और जो सेकेंडरी है यह हमारे डिजीज होने के बाद उससे क्योर कर रहा है, हमें रिहेबिलिटेट कर रहा है, और मतलब जो पेशेंट्स होंगे उन्हें रिहेबिलिटेट करेगा और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। और प्राइमरी हेल्थ केयर में एक और भी पॉइंट था, वो ये था कि उसे कोई भी डिजीज यदि किसी को हो रही तो उसे अर्ली स्टेज में वो डायग्नोज करने का काम भी कर रहा था। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है टर्सरी हेल्थ केयर। अब हम देखेंगे टर्सरी हेल्थ केयर। तो जो हमारा टर्सरी हेल्थ केयर है इसमें यह है कि यानी कि जो टर्सरी हेल्थ केयर होता है यह मोर स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर्स होते हैं। और यहाँ पर मतलब जो केयर ये प्रोवाइड किया जाता है या रीजनल और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उन पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स जैसे कि रीजनल मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स जो हो गए, रीजनल हॉस्पिटल्स हो गए, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हो गए और जो भी अदर अपेक्स हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये हेल्थ मतलब कि यानी कि टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पे जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे प्लानिंग, मैनेजमेंट और रिसर्च भी किया जाता है, मतलब रिसर्च भी परफॉर्म किया जाता है इस लेवल पर। और यहाँ पर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए। और उसके साथ ही साथ मतलब यहाँ पे स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि किसी को कोई सिस्टमिक डिजीज़ है तो यहाँ पे स्पेसिफिक उसके मतलब किसी भी सिस्टमिक डिजीज़ के स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं। जैसे कि किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट जो होंगे अवेलेबल होंगे, यानी कि कार्डियक डिपार्टमेंट में जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू उन्हें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो यह जो होता है टर्सरी हेल्थ केयर या प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पर मैनेजमेंट भी यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ मैनेजमेंट करना प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पर। ओके, एंड देन हमने इस वीडियो में देखा कि हेल्थ लेवल ऑफ हेल्थ केयर या फिर सर्विसेज कह सकते हैं, जिसमें कि हमने लेवल ऑफ हेल्थ केयर में उसका इंट्रोडक्शन देखा। देन हमने उसके बाद कौन कौन से लेवल होते हैं यानी कि 3, जिसमें कि 3 लेवल से प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्सरी हेल्थ केयर। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रिवेंशन देखेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर पर प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंशन कैसे करते हैं, सेकेंडरी लेवल पे एंड टर्सरी लेवल पे प्रिवेंशन कैसे करते हैं किसी भी डिजीज़ का। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। और जहाँ भी आपको समझ में ना आए उसे आप रिपीट करके देखें, और जब आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगी। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।